और अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं ये बेफालतू का चीज है, कुछ काम नहीं होने वाली है, तो प्लीज ग्रुप में मजे ना लें, आप ग्रुप को छोड़ दें, ताकि बहुत सारे सीरियस लोग जो हैं वो इस बात को जान पाए कि कुछ बंदे जो सीरियस हैं इस काम को लेके वो आगे हमारे साथ आना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ग्रुप का मजा उठाते हैं। तो वैसे लोग की हमें कुछ सख्त जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि जो लोग भी आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल के द्वारा जुड़ रहे हैं वो अपने पैसे के साथ मजाक करेंगे, मुझे लगता नहीं है। तो डेफिनेटली ये तो जाहिर सी तौर की बात है, या आप सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं कि बहुत लोग जो लोग भी आज हमारे साथ है वो सारे सीरियस लोग हैं। मैं ये दिल से आप सबको नमन करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ कि आप सभी ने आप हमारा साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर ग्रुप में ले आके फिर उस पर डिस्कशन ही करना है, डिस्कशन नहीं, इस बार रिजल्ट बहुत जल्द आपको आने वाला है। तो प्लीज हमारे साथ ग्रुप पे बने रहें, और एक किसी एक ग्रुप के जो साधन है, ग्रुप के जो डिसीजन है, प्लीज उसको अमल कीजिए, ताकि आपके लिए भी वो फ्रूटफुल हो और हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो। हे गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने कहा था कि बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ हम सबको मिलने वाला है, जो हम लोग तय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो सारा चीज़ वर्कआउट हो रहा है। तो लास्ट सेशन में दो वीडियो से मैंने बताया भी था, थोड़ा सा टाइम लगा उसको इनिशिएट करने के लिए, समझने में ग्रुप को। तो ग्रुप को समझा और समझने के बाद ये तय आ गया कि एटलीस्ट जो वीडियोस अभी हमारे फॉलो दरमियान आ रहे थे वो वीडियोस तो कंटिन्यू आते रहेंगे। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैं वीडियो बनाता हूँ व्यूज के लिए, तो भाई ये सही बात है, वीडियो बनता ही है व्यूज के लिए। अब देखना ये कि वो तथ्य जो आ रहा है वो रियली मीनिंग में क्या वो रियल तथ्य है जो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, डिपेंड करता है व्यूअर्स पे। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब में चलाता हूँ कि तो सिर्फ व्यूज के पाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो तथ्य वाली बात आ रही थी, अब देखना ये है कि उस वीडियो पे जो जिस विषय में बताया जा रहा है वो तथ्य क्या रियली मीनिंग में सच है या गलत है, ये देखना था। लेकिन इस बार का तथ्य जो आरएमसीएल को लेके हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं या फिर सेकंड टाइम से रन हो रहे हैं, तो आप सारे लोग को वेलकम है जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं अपना नंबर देके। मैं हमारे जो ग्रुप्स के एडमिन उनसे कहूँगा कि प्लीज़ उनको आप ऐड कीजिए ताकि वो ऐड हो जाए। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ये सुनने को आ रहा है कि एक थोड़ा सा मीटअप गेट टुगेदर हो रहा है हम लोग का, जिसपे आरएमसेल के खिलाफ जो भी हम लोग का कह सकते हैं कि नहीं पूरा हुआ था, विशेष पूरा नहीं हुआ था, या आप ये कह सकते हैं कि आरएमसेल ने जो वादा किया था कि हाँ उसको रिकवर कर दिया जाएगा। बाकी कंपनी ने दो तीन बार ऐसा भी मुद्दे उठाए कि थर्ड टेम्पल पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग तो थर्ड टेम्पल पे चले भी गए, ऐसा नहीं, कुछ लोग तो थर्ड टेम्पल पे चले भी गए। तो थर्ड टेम्पल में उनको मुझे पता नहीं कि उनको थर्ड टेम्पल पे क्या मिला नहीं मिला, लेकिन ये तो तय है कि जितना भी है आरएमसीएल अब जो तय कर रही थी पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, मुझे लगता है कि सबसे गंदा एक्सपीरियंस, सबसे बैड एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। लोग डरने लगे हैं, सहमने लगे हैं, इवन मेरे पास कॉल आता है तो यही सवाल उठता है कि सर आरएमसीएल का क्या कुछ अपडेट है, लेकिन मैं उनको अपडेट नहीं दे पाता हूँ। तो इस बार का क्या है, तो इस बार का एक्सपीरियंस सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा आरएमसेल के नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, कि लोगों ने बहुत सारा पैसा लगा दिए हैं, बहुत ट्रस्ट किए हैं। इवन हमारे पास तो ये भी सुनने को आता है कि लोगों ने किस तरह से पैसे लगाए हैं। तो ये सब सारी बातें हम लोग सभी जानते हैं कि किस तरह क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इस बार का जो ग्रुप हमने यहाँ पे मैं जिसपे शामिल किया गया हूँ, मैं ऐड हुआ हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो आरएमसेल ने बहुत बार ये भी कहा है, कुछ वीडियोस पे हमारे एमडी सर ने ये भी कहा था, एमडी सर नितीश अग्रवाल ने ये भी कहा था कि 20 जनवरी को कुछ अच्छा होने वाला है, 20 जनवरी को कुछ अपडेट हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरे कान और नज़र को देखा जाए तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। तो ये जो न्यूज़ फिर से एक बार आ रहा था कि 20 जनवरी को फिर से नया कुछ आ जाएगा, 20 जनवरी को कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं आया हड़ताल का, तो वो गया। अब देखना ये है कि कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पे दमन की भी बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सर हम दमन गए हुए हैं ग्रुप पे। मैं ग्रुप फॉलो कर रहा था कुछ ग्रुप को, तो जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि रोनित बाबू का वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए आते हैं, इनके वीडियोज को फॉलो ना किया जाए, मत देखो यार कौन देखने बोल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली देख के ये आया कि कुछ लोगों ने हमारे जिस ग्रुप से हम लोग मैं बिलोंग करता हूँ या जिस ग्रुप से मुझे भी लिया गया है, वहाँ पे ये चर्चा हो रहा था कि कुछ लोग दमन गए हुए थे वहाँ पे, और जब दलालों की यहाँ पे बात हुई तो देखा गया कि वो लोग पहले से वहाँ जुड़े हुए। तो ये मुझे लगा कि यार ये किस तरह क्या हादसा हो गया, वाक क्या हो गया कि लोग पहले से वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग अटे। इवन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे दमन खुद पहुंच के फिर वहां से बुलाते हैं कि इतने लोग को भेज दो, इतने लोग को कर दो। यार ये किस तरह का माजरा है, मुझे समझ में नहीं आता है। विदाउट एनी सटीक प्लान, विदाउट एनी प्रॉपर डिस्कशन विद द
चाहे जो भी है, चाहे एमडी के साथ हो, चाहे आप जिस भी राइट्स के साथ बात कर रहे हो, उनके साथ बिना बातचीत किए हुए भी आप दमन पहुंच जाते हो और दमन पहुंच के वहां से कॉल करते हो कि इतना आदमी भेज दो, ये कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे तो अजीब लगता ही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार वहां से ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि इतने आदमी यहाँ भेज दो, और फिर क्या होगा पता नहीं, और वो भी सीमित नहीं, 2-3 आदमी नहीं बल्कि 100 से ज्यादा आदमी को भेज दो। तो भाई किन क्या टाइम होता है इतना 100 आदमी को वहां पहुंचा जाना, या फिर एट ए टाइम वहां पे दौड़ के चले जाओ। और ये भी बात हो रही है उस समय ग्रुप पे कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं आते तो आपका आप पैसा भूल जाइए। वाह, फिर से वही बात आ रही है कि कुछ लोग अपने चक्कर में यार मैंने सारे इंडिया को, इंसान को भूल जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहा था कि लड़ाई एक के लिए नहीं होना चाहिए, लड़ाई अगर होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, और जो एक सटीक वे में है उस सटीक वे में होना चाहिए। मेरे बातों में बहुत कम लोग ही सहमति देते हैं कि मैं जो बात करता हूँ वो गलत है सही है, वो मुझे पता है कि मैं क्या कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो समझते हैं उनको ये तो तय है कि वो कभी गलत राह पे या गलत ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, वो सही ऑप्शन ही लेंगे। दूसरा, तो ये जो चीज़ अभी बताया जा रहा था कि दमन से कुछ लोग को बुला दिया जाए, दमन ले लिया जाए, 100 लोगों को 150 लोगों पर बुलाया जाए, तो ये वे आउट गलत था। मैं कहूंगा ये वे आउट गलत था, क्योंकि ये प्रोसेस सडन होने पे क्या होता है कि लगता है कि चलो हल्ला बोल टाइप पे फिर से हो जा रहा है, लेकिन इस बार ग्रुप से जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, आरएमसीएल के खिलाफ जो भी हैं, हम लोग जो भी जुड़े हुए हैं इसके प्रोटेस्ट पे हैं, अभी भी मांग को लेके खड़े हैं कि यार हमारा जो पैसा लगा हुआ है उसका क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, उसको भूलना नहीं है। हमारा ये भी मकसद है कि आप जिस पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, एक बार हक तो बनता है कि भाई मेरा पैसा को हुआ क्या, सवाल करने का। तो ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट मिले, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी आएंगे, लोग बताएंगे कि सर हमें प्रोडक्ट नहीं मिला है, दूसरा सर हमें सही टाइम पे इंसेंटिव नहीं मिला था, फिर दूसरा, और तय तय बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो लोग चाहें तो बता सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट में पहला सवाल ये आता है कि हमने जो पैसा लगाया था क्या वो रंग लाया? कुछ लोग तो मेरे जैसे जो लोग थे तो बर्बाद ही हो गए यार। डर लगता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग बताने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि पहले कहीं मुंह वो छुपा के कहीं बैठ जाए कि फिर से वैसा कोई लोचा ना हो जाए कि फिर से वही हल्ला बोल वाला झमेला, फिर कंपनी ये फिर वो एक्स्ट्रा, तो अभी चिढ़ सा गया, डर लगता है, डर लगता है सब चीजों से। तो अब डरने की बात नहीं है, सबको एक साथ जुड़ने की बारी आ गई है, एक साथ जुड़ के हम लोग इस चीज की हल निकालते हैं, इस चीज की तय तक जाते हैं, और ये पूछते हैं उनसे कि सर हमारे पैसे जो हमने लगाए हैं इसका क्या होगा, आपको जवाब देना होगा, और हमारे जो भी पैसे लगे हुए हैं जिन लोगों को हम लोग पैसे लगाए हैं, हमें देके पैसे लगाए थे, उनका क्या होगा। तो आप अगर सहमति जताते हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं आपको लग रहा होगा कि 2-3 वीडियो से मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जुड़ें जुड़ें जुड़ें, इसका एक अच्छा मोटिव है, मैं सिर्फ जुड़ने के लिए ही आपको नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा मोटिव आने वाला है जिस मोटिव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और वो बहुत जल्द होने वाला है। तो डरने की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जब मैं आपको कहूँ या फिर जब इनिशिएट करूँ तो आप लोग सारे तैयार होके वो चीज़ों को फॉलो कर पाएँ और चीज़ों को टू द मार्केट टू द ग्राउंड लेके आए। इसके साथ इस वीडियो को मैं साइन अप करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लगता है कि आपको कॉल अप करना चाहें तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, मैं आपको हर वक्त आपको कॉल रिसीव करने का तय करूंगा, बस शाम को ना करें, डे टाइम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो मुद्दे की बात ये है कि ग्रुप में जो कुछ बनाया जाता है या फिर प्रूफ आपसे मांगा जाता है, एटलीस्ट वो प्रूफ आप शेयर करो ताकि हम लोग उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर पाएं, अपने टीम के जो बाकी प्रोसेस है वो आपके साथ कर पाएं।